सो ये सब आपको यहां तक पता है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट अपन ने किया था, दैट वाज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को मुझे एक्सप्लेन करेगा मनोहर। बेटा हाँ एक्सप्लेन करो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है। थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाओ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नहीं पता मृदुल, बेटा एक्सप्लेन करो व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर एक छोटे बच्चे को एक्सप्लेन करना है तो भाई तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। हाँ सर, बोलो आई आई जेड इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स। जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब थोड़ा सा बताओ तो सर आई एक्स क्या है आई वाई क्या है, ये कब लगता, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगता। जब प्ले टू डी ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता है सर, एक्स वाई प्लेन में। ऑब्जेक्ट से लगता आई एक्स आई वाई ये सब लोग क्या है, इनमें क्या रिलेशन है आई एक्स आई वाई आई जेड में आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई एक्स आई वाई और आई जेड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, इसके वजह से ही तो नाम है। अरे इस थ्योरम का नाम ही क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यानी जो तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, जिसके अंदर आई जेड जो है वो ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर है, आई एक्स और आई वाई में ऑब्जेक्ट खुद लाई करता है। ठीक है, तो आई जेड इज आई एक्स प्लस आई वाई वैलिड ओनली फॉर टू डी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट लाई इन द एक्स वाई प्लेन एंड आई जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, आई जेड पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आई एक्स एंड आई वाई। ठीक है, तो लास्ट क्लास अपन ने यहां तक इस पे प्रॉब्लम्स किए थे, डिस्क का हो गया था। ओके नेक्स्ट, अभी ये देखो नेक्स्ट थ्योरम डालो हेडिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग डालो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा आपने मैथ्स में स्ट्रेट लाइन कर रखा है, मैथ्स में स्ट्रेट लाइन कर रखा है तो ये बताओ मृदुल है कि नहीं, ये लाइन वन है ये लाइन टू है, इनके बीच में ये डी वन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या कोई और डिस्टेंस होगा। मेरे पास है लाइन एल वन और एल टू, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, 45 डिग्री बना के एंगल या कैसे होता है मृदुल। दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये जो डी वन डी टू बनाया है ये सही नहीं है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होता है दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके जरा अभी सवाल को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि ऐसा मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऊबड़ खाबड़ कहीं पे भी ऑब्जेक्ट लेंगे ठीक, और इसके सेंटर ऑफ मास से ये देखिए ये एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको पता है, और ये दिस इज एक्स दिस इज वाई, यहां पे पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये एक जेड एक्सिस और है। अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये एक जेड एक्सिस है ठीक
ठीक है, एक्सेस एकदम ऊपर जा रहा, ठीक। अब इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ है आई अलोंग सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दैट इज सम डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रहा है, लेट से जेड एक्सिस भी जा रहा है, ये कुछ ये पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये एक्स, ये वाई एंड दिस इज माई जेड एक्सिस, ठीक। अच्छा, अब मैंने एक और जेड एक्सिस बनाई, ठीक है, ये जेड डैश है और ये यहां से एक्स डैश है, ये ऊपर वाई डैश है। तो ये जो वाई एक्सिस है ना, जेड एक्सिस, ये जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब कौन सा है, जेड एक्सिस इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन, इनके बीच में डिस्टेंस है डी, इनके बीच है डिस्टेंस डी, डिस्टेंस डी क्या है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि मान लीजिए इस जेड डैश एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आता है अपने को आई डैश, कितना आई डैश, तो ये जो पार्टिकल है इसका मास डीएम मान लो या एम मान लो, मान लीजिए डीएम मास, ठीक है, सो ये बोलता है आई डैश जेड डैश एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेट से यहां पे डीएम है, इनटू जो डिस्टेंस है दोनों पैरेलल एक्सिस के, ये जो जेड एक्सिस है ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल एक्सिस हो गई, दोनों एक जेड एक्सिस है एक जेड डैश एक्सिस है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हुए पैरेलल, तो ये बोल रहा है आई डैश जो है दैट इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस डीएम इनटू जो डिस्टेंस है जेड एक्सिस के बीच में उसका स्क्वायर। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही, दिस डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डी टू पैरेलल लाइंस, आप सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, उस बॉडी का मास यहां पे, ये बॉडी का मैंने डीएम मास, ये पॉइंट का मैंने डीएम मास मान रखा था, डीएम छोटा सा मास इनटू ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल डी उसका स्क्वायर। इजी है यहां तक, स्मॉल डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डी टू पैरेलल लाइंस। दिस डीएम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अब वो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस है उसके थ्रू मेरे को सेंटर ऑफ मास पता है, और उसी सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो पास हो रही है एक्सिस है उसी से पैरेलल एक दूसरा एक्सिस है, वाई डैश भी हो सकता है, एक्स डैश भी हो सकता है, जो भी है अपन निकाल लेंगे उससे। ठीक है, इसका एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, सभी लोग जिनका हो गया फटाफट डन लिखो, आज भैया एक साल हो गया आप लोगों को, मिलते हैं शाम में पार्टी करेंगे, पिज्जा पार्टी।
हो गया, ओके वेरी गुड, अथर्व ने हो गया, आर्या का हो गया, सन्मुख, ऋषि, ओके। जरा अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ध्यान से देखना, इन्होंने बोला आई डैश इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम भी हो सकता है, डीएम भी हो सकता है, जो भी आपने माना हो। अब इसके अलोंग आई सेंटर ऑफ मास और आई डैश, ये दोनों एक्सेस एक दूसरे से पैरेलल है, यही है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, यही है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, इसको रट लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, ये एक मेरे पास में रिंग है, बहुत बढ़िया, ये जेड एक्सिस है और ये एक्सिस है, आपसे पूछा है जेड डैश फाइंड मूमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड डैश एक्सिस, ठीक है, ये जेड डैश एक्सिस है। अच्छा ये बताओ, ये सेंटर है इसका, तो क्या इसका रिंग का, दिस इज अ रिंग ऑफ अ रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर, ध्यान से देखिए बच्चों, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिंग, आंसर करो फटाफट, आंसर करो फटाफट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, वेरी गुड सिद्धांत, कबीरा, हर्ष, श्रिया, प्रियांशु, कितना होता है रिंग का एम आर स्क्वायर, जिस बच्चे ने 50 बार नहीं लिखा है आज उसकी शामत आने वाली है, दिस इज अबाउट अबाउट द सेंटर, ओके। अच्छा कोई मुझे बता सकता क्या, ये z एक्सिस और ये z डैश एक्सिस, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन z एंड z डैश r, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है आई डैश इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास, मास कितना है रिंग का, ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस है तो मास कितना हो गया, मास हो गया m, डिस्टेंस कितना है r, तो आई सेंटर ऑफ मास इज एम आर स्क्वायर प्लस m, d के वैल्यू r स्क्वायर, दिस इज 2m r स्क्वायर, दिस इज i डैश, i डैश इज 2m r स्क्वायर, समझ में आ गया, जिस बच्चे को सेंटर ऑफ मास के अलोंग नहीं निकालने आता या रटा नहीं है उसको ये फॉर्मूला नहीं चमकेगा, वेरी गुड श्रावणी, सर्वरी, समृद्धि, क्या ओके गौरव का हो गया, अमय, रिद्धि, ईशान, जयेंद्र, कार्तिके, किरण, महेश्वर, बोरा, नैतिक, नमन, निमेश, पार्थ, विनीत, यश, युग, ओके। आप जरा इसका बताओ कि ई बबुआ हमारे पास में एक डिस्क है, ठीक है, रेडियस आर है, हमको ये जेड डैश निकालना है, दिस इज अ डिस्क, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड डैश
ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम. वेरी गुड, क्या बात है यार, आप लोग तो मतलब जल्दी सीख गए. आई डैश इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर. तो निकुंज माइक ऑन करो. यस सर. अरे बंद कर दो, बंद कर दो. सेंटर ऑफ मास के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? वेरी गुड, शाबाश जी, जिसका आ गया. अथर्व का भी आया. वेरी गुड, शाबाश अथर्व. ओके, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, इसलिए मैंने आज बोर्ड का भी पूरा सेटिंग कर लिया था कि अगर ऐसे नहीं तो मैं वैसे फिजिकल पढ़ाऊंगा बोर्ड पे. चलो बहुत बढ़िया, शाबाश. अच्छा अब ये देखो, ये रॉड है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये एक्सिस है ओमेगा, ठीक है. तो ध्यान से देखना, ये है आई वन, दैट इज सेंटर ऑफ मास मान लो, ये है आई वन. ऐसे रॉड है, इस पर ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे घुमाया जा रहा है. आपको कौन बच्चा बताएगा? कशिश, कशिश माइक ऑन करो. कशिश है क्या? कशिश यहाँ? कशिश नहीं है. चलो ध्रुवी. यस सर. हाँ बेटा, ये बताओ आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है रॉड के अलोंग? मास एम है, लेंथ एल. ध्रुवी सेंटर के अलोंग, इसके सेंटर के अलोंग कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर ml स्क्वायर बाय 12. ml स्क्वायर बाय 12. तो कशिश भी है. ओके कशिश, मुझे i डैश निकालना है. i डैश का फॉर्मूला क्या होगा? मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? सर m into d स्क्वायर. m into d square. m into d L by 2. पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेटा, ये दोनों पैरेलल है. तो एम इन टू एल बाय टू. नहीं नहीं, अरे बेटा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था ना, आई सेंटर ऑफ मास, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी का होल स्क्वायर. ध्यान से देखो ना, जैसे आई डैश एंड आई सेंटर ऑफ मास एक्सेस आर पैरेलल. अच्छा कशिश, अभी आई सेंटर ऑफ मास आपने रटा हुआ था, कितना था बेटा ये आई सेंटर ऑफ मास? एम एल स्क्वायर बाय 12. एम एल स्क्वायर बाय 12. ओके, एम डिस्टेंस कितना ये दोनों एक्सेस के बीच में? एल बाय 2. एल बाय 2 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर देखो कितना आएगा, ये एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, कितना हुआ ये?
4 ml square by 12 आंसर आया। अरे ये तो अपन ने पहले भी पढ़ रखा था, एच के अलोंग क्या होता है, ये तो होता है ml square by 3 और सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना होता है ml square by 2। ये रिजल्ट अपन ने पहले से पढ़ रखा था। और इस 4 ml square by 3 कहां से आया प्रेम, क्या कर रहे तुम, तब का आया, ये तो पढ़ा था ना पहले, थोड़ा लिंक कर पा रहे क्या? ये लिंक कर पा रहे क्या? ये अपन ने होमवर्क में भी लिख रखा है कई बार, ठीक है 50 बार, और ये थ्योरम से भी आया। व्हाट इज दिस थ्योरम, दिस थ्योरम इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चमका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी आ जाता। नेक्स्ट करें, देखो जिसको रोटेशन आ गया ना कितना 50-60% भी आ गया उसका दिमाग खुल जाएगा। इसमें सारी मैकेनिक्स आएगी, सारी बोले तो सारी, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, सब कुछ इसमें जोड़ देंगे अपन। बस थोड़ा वेट करो, मोमेंटम कंजर्वेशन सब कुछ आएगा इसमें। तो पुरानी चीजें जिसको याद होगा उसको थोड़ा इजी और लगेगा, ज्यादा नहीं, मेरा बस इतना टारगेट है आप 50-60% भी अच्छे से कर लोगे इसका, मतलब समझ में आ जाएगा तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, सो अभी जरा ये देखो, ये मेरे पास डिस्क है, ठीक है, डिस्क ऐसा रखा हुआ है। मुझे इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दिस इज अ डिस्क, मास एम, रेडियस आर, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस रह गया, तो प्लीज छाप दो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ये मेरे पास डिस्क है, क्या है, डिस्क है। आप ध्यान से देखना, डिस्क है सर, सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग मेरे को पता है क्या? देखो ये 2D ऑब्जेक्ट है, डिस्क है, वेरी गुड मलार, नहीं नहीं सॉरी मलार, आई टेक माय वेरी गुड बैक, गलत है। कोई बच्चा तो सही कर दो, सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, कम ऑन। श्रावणी का गलत हो गया, कबीरा, सोनी, पूरव, अक्षय, साची, राधा, ये कबीरा का सही, प्रियांशु का सही, वेरी गुड। शाह, प्रियांशु शाह, तुम भी करो बेटा। अमित, आंसर बताओ बेटा। डिस्क है, डिस्क, और ये एक्सिस है, ये जेड एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस होगी। पुराने रिजल्ट्स याद रखो, मुझे इस एक्सिस के अलोंग निकालना है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर से पास हो रही है। ध्यान से सुनो गौरव, माइक ऑन करो। यस सर।
बेटा ये आपको एक डिस्क दी हुई है, ठीक है, डिस्क में इसके अलोंग ये तो आई सेंटर ऑफ मास हो गया, आई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी है बेटा? सर एमआर स्क्वायर बाय टू, एमआर स्क्वायर बाय टू, यहीं पे गड़बड़ हो गई। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ अ डिस्क? डिस्क डायमीटर के अलोंग कितना होता है? और डायमीटर के अलोंग अपने को पीछे से समझ में आएगा, ओ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफरिंग अबाउट डायमीटर, ये एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई फोर, नहीं चमका बेटा, जेड एक्सिस के अलोंग एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। अब ये कहां से निकालना है आपको? ये आपको डायमीटर के अलोंग, तो आई सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर के थ्रू ही पास हो रही, सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही पास हो रही, तो इसका वैल्यू आएगा एम आर स्क्वायर बाय फोर। ये कहां से लिया था? फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मैंने निकाला था, चमक रहा है क्या? तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर, तो आई के अलोंग क्या होगा? आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर का होल स्क्वायर, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस। वेट अ सेकंड, अरे यार कुछ गड़बड़ हो तो ये वैल्यू आई। देखो सेंटर के थ्रू अलग होता है, डायमीटर के थ्रू अलग होता है, तो यहां से एम आर स्क्वायर बाय फोर प्लस एम आर स्क्वायर, वैल्यू कितनी आई? फाइव बाय फोर एम आर, जिसका आया बहुत बढ़िया। श्रावणी का भी आ गया, ईशान भी कर रहा है क्या? देखो जरा वीडियो दिखाई दे रहा क्या? वीडियो दिखाई दे रहा? ये देखो ध्यान से देखना। अब बेटा ये इसका ये वाला सेंटर जो है, अगर मैं ऐसा एक्सेस लू जो अपनी व्हील्स घूमती है, स्टेयरिंग घूमती है, वो ऐसे घूमेगी, ठीक है, वो ऐसे घूमेगी। अब मैं इसको कहां से घुमा रहा हूं? मैं सेंटर ऑफ मास से घुमा रहा हूं, ये डायमीटर से, तो डायमीटर भी तो ऐसे ही पास होगा इसके सेंटर के थ्रू, डायमीटर इसके सेंटर के थ्रू, तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। आप कहां से घुमाना चाहते हैं? आप ऐसे, याद है अपन पंखा उनका चलता है जब गर्मी वर्मी में, गांव वाव में पंखा वैसे नहीं है, तो ऐसे झाड़ते ना ऐसे पंखा, या ये वाले टांगे ऐसा ऐसा, ये देखो इसको लेके ऐसे ऐसे करते हैं अपन, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो वही कर रहे हैं इसको अभी, इसको यहां से इसके एज से ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे 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 रोटेट करना है, यहाँ पे एक्सिस लगा दी और ऐसे रोटेट होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आया बेटा? सबको क्लियर है? यहाँ पे आई सेंटर ऑफ मास, ये डायमीटर के थ्रू है, नॉट थ्रू दी सेंटर इटसेल्फ, डेड एक्सिस नहीं है। देखो सब में जब भी आप घुमाओगे सब में अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसकी वजह से अलग अलग फोर्सेस लगाने पड़ते हैं आपको। ओके चलिए नेक्स्ट, ये क्या हो गया? डिस्क हो गया ना, रिंग का बता ही दिया था। अच्छा रिंग का बताओ, ये रिंग है, ये एक्सिस है, ये आई है, ये इसका सेंटर है, मास एम है, रेडियस आर है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई इफ आई
is tangent, tangent to the ring. I is tangent to the ring. Very good. ये ring है, ring. अब वो क्या है ना, ring और disc एक जैसे ही लगते हैं. तो disc में ना ऐसे माल भर लिया करो, तो disc line बना लिया करो. ये disc खाली है, सॉरी रिंग खाली है, डेस्क भरा है. वेरी गुड कार्तिकेय, माइक ऑन करके बताओ जरा. यस सर. हाँ बताओ बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर डायमीटर, मतलब सर वो टेंजेंट है तो सर वो एक्स डायमीटर के थ्रू सर उसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू. ये देखो आई सेंटर ऑफ मास और आई डाय, ये आई में क्या रिलेशन आएगा, आई इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इन टू डिस्टेंस है उनमें आर का होल स्क्वायर. आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है इसका रिंग का? सर एम आर स्क्वायर बाय टू. ये कहाँ से निकला था अपने को? ठीक है ये आया और आंसर है 3 mR² / 2. क्या आ गया क्या सबको? दिस इज एन एक्सिस दैट इज टेंजेंट टू द रिंग, एन एक्सिस दैट इज टेंजेंट टू द रिंग. इतना क्लियर? ओके नेक्स्ट करें. कौन सा नंबर का हो गया? 5 नंबर का हो गया. छठा नंबर का करते हैं. दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्पीयर. वही है मास एम है, रेडियस आर है और ये एक्सिस के अलोंग आपको फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज टेंजेंट टू द सॉलिड स्पीयर. सॉलिड स्पीयर से टेंजेंट है ये एक्सिस, तो ये स्पीयर है, स्पीयर. दिस इज नॉट रिंग, नॉट डिस्क, दिस इज अ स्पीयर. इसके अलोंग निकालना है, स्पीयर है गोला. स्पीयर को हिंदी में गोला बोलते हैं, गोला. फिफ्थ में कोई डाउट है क्या? फिफ्थ में क्या डाउट है सौरभ? पूछो पूछो बेटा. सर वो फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है ना, तो डायमीटर के अलोंग ही लेना पड़ेगा ना. हाँ आप पूछो बेटा. हाँ सर वो फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है ना, तो डायमीटर के अलोंग ही लेना पड़ेगा. हाँ ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर ही है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? क्या सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अलोंग डायमीटर कितना होता है? mR² / 2. mR² / 2. और सिर्फ ऐसा रिंग होता और ये वाला एक्सिस होता बेटा, रिंग का ये एक्सिस होता तो इसके अलोंग mR² होता. तो वही तो क्या है, ये डायमीटर ये सेंटर के थ्रू पास किया, तो ये डायमीटर के थ्रू ही पास हुआ, सेंटर से पास होता, तो इसके वजह से तो mR² / 2 लिया. और कुछ डाउट था? यही था. नहीं सर यही था. ये डायमीटर के लॉन्ग है, रिंग का सिर्फ सेंटर जेड एक्सिस से निकालोगे mR² होता. ओके ये आ गया क्या? वेरी गुड, क्या बात है, सभी का सही है. ओके श्रावणी जरा माइक ऑन करो. बताओ बेटा ये डायमीटर के अलॉन्ग
अगर सॉलिड स्पीयर है तो डायमीटर सेंटर से पास होता, डायमीटर कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय फोर कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय फोर, नहीं 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 सॉलिड स्पीयर का आई सेंटर ऑफ मास, सर सॉलिड स्पीयर का सेंटर ऑफ मास तो एम आर स्क्वायर बाय टू होता है, सॉलिड और डायमीटर के अलोंग, डायमीटर के अलोंग कितना होता है, सॉरी टू बाय फाइव एम आर स्क्वायर होता है, टू बाय फाइव ना बेटा, यही तो डायमीटर के टू पास होता है ना, इसका सेंटर मतलब ये पूरा भरा हुआ कंटेंट है, तो ये इसके सेंटर से ही पास होता है, डायमीटर से भी पास होता है, तो यही चीज है, तो दिस इज 2/5 mR, दिस इज 2/5 mR, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो I सेंटर ऑफ मास प्लस mR md स्क्वायर, तो I इज I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, this is 2/5 mR², this is mR², ठीक है, so this is 7/5 mR, कितनों का मैच किया ये, मैच किया सन्मुख पूरा मैच किया गया, हाँ मैं मृदुल कुछ पूछना है, मृदुल पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये सेंटर ऑफ मास और आई वाली एक्सिस दोनों एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है यहां तक क्लियर है, अरे ये आई सेंटर ऑफ मास यही तो होता, यहां पे आई सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं निकाला, मतलब इसका आई सेंटर ऑफ मास, अरे स्पीयर है, गोला है, गोला है, बॉल है, बॉल, ठीक है, बॉल को तुम ये डायमीटर कोई भी से पास करो, कहीं से भी पास करो, सभी लोग सेंटर के थ्रू पास होंगे, तो सबसे इक्वल फोर्स आता, अरे भाई साहब डायमीटर सेंटर के थ्रू ही तो पास होता स्पीयर में, देखो ये 3D ऑब्जेक्ट है, स्पीयर एक 3D ऑब्जेक्ट है, स्पीयर जो है 3D ऑब्जेक्ट है, उसको कहीं से भी डायमीटर के थ्रू पास कराओ वो सेंटर से पास होगा उसके, सिमिलरली ये जो डिस्क और रिंग होती है ना उनमें ये जेड एक्सिस अलग हो जाती है और डायमीटर वाली अलग हो जाती है, क्योंकि जेड एक्सिस अलग है, देखो एक ये रिंग है, एक ध्यान से देखो, ये देखो बेटा ये देखो, ये रिंग जो है ना रिंग, अब इस रिंग या डिस्क में ये वाली एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है, ये सेंटर के थ्रू हो रही है, ये अलग एक्सिस है, और ये जो डायमीटर के थ्रू पास हो रही है ये अलग एक्सिस है, ठीक है, इन दोनों से अलग सेंटर ऑफ मास आने वाला था, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, अब ये स्पीयर है, अब ये स्पीयर है, अब इसको स्पीयर को चाहे मैं ऐसे घुमाऊं, ऐसे ऐसे, अभी देखो ऐसे लिया, ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं,
या इसको ऐसे घुमाओ या इसको ऐसे घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक्सिस है वो इसी का सेंटर ऑफ मास एक है और ये 3D ऑब्जेक्ट है। ये कैसा है? ये 2D ऑब्जेक्ट है जिसका सिर्फ पेरिफेरी पे सेंटर यहाँ होगा, तो ये एक्सिस अलग है, ये एक्सिस अलग है, ठीक है, बट ये एक्सिस और ये एक्सिस सेम है, ये भी इधर से पास हो रहा, ये भी इधर से। अच्छा, अगर मैं इसके डायमीटर से पास कराऊं तो ये एक्सिस रहेगा, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम इसके बराबर होगा, क्यों, दोनों डायमीटर से पास हो रहा, ठीक है। बट ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर में आप इस पॉइंट से अगर ऐसे इसके अंदर होल करोगे ठीक है, तो ये जो पीछे साइड निकलेगा, अगर डायमीटर के थ्रू पास हो रहा है, ये डायमीटर के थ्रू, तो सेंटर से तो पास होगा ही, ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसमें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस बराबर है, ठीक है, बट इसके अंदर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में डिफरेंस है। इसका z एक्सिस इधर है तो ऐसे गोल गोल स्टेयरिंग की तरह घूमेगा, इसका ये वाला y एक्सिस अलग है, ये रोटी की तरह घूमेगा, ठीक है, बट इसमें क्या है, इसमें सब कुछ एक ही है, ये स्टेयरिंग यही हो गया, सब कुछ यही हो गया, रोटी की तरह भी हो गया, स्टेयरिंग की तरह भी हो गया, और ऐसे घुमाना है तो ऐसे भी घुमा सकते, बात तो वही है, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है। अरे ऐसे घुमाते हैं ना इसको, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमाओ, ये चीज अलग होगी, ठीक है। अब इसके अंदर बॉल को लेके कहीं से भी घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें दिक्कत है, इसमें एक तो ऐसे से चक्री की तरह घूम सकता है, एक ऐसे घूम सकता है, और एक ऐसे चक्री की तरह, ऐसे गोल गोल, तो इसके दो, एक एक्स जो डायमीटर के थ्रू अलग है और z एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है उसके लिए अलग है, इसमें तीनों एक्सिस में सेम है, इसके वजह से अपन ने यहाँ 2/3 लिखा i सेंटर ऑफ मास, ठीक है, थोड़ा सा 3D लगता है, थोड़ा बहुत चमका होगा, समय के साथ और चमकने लग जाएगा, नोट करके लिख लो भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, Parallel axis theorem is valid for both 2D and 3D objects. ठीक है, Parallel axis theorem is valid for both 2D and 3D objects. ठीक, कॉपी कर लो इसको, हो गया इतना, नेक्स्ट मास एम लेंथ है, मास एम लेंथ है, फाइन, ये एक्सिस है ना, फाइन आई डैश ऑफ द सिस्टम। देखो अब ये रॉड वन,
ये रॉड, रॉड टू, तो जो आई नेट हो जाएगा आई डैश दैट वुड ये स्केलर क्वांटिटी है आराम से ऐड हो जाएगा. सो फर्स्ट रॉड का इस एक्सिस के अलोंग आई डैश के अलोंग आई डैश नेट निकालना, ठीक है. आई डैश नेट क्या होगा, इस एक्सिस के अलोंग पहले वाले रॉड का कितना होगा, फर्स्ट वाले रॉड का इस एक्सिस के अलोंग कितना होता है, एज के अलोंग कितना होता है, रॉड का एज से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय 3. ये तो फर्स्ट रॉड हो गया, ये हो गया रॉड 1. अच्छा वही एक्सिस से ये रॉड 2 का कितना होगा, रॉड 2 का कितना होगा, इसका भी एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा. दिस इज रॉड 2. दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस से मैंने निकाल लिया. दिस इज आई नेट. आई नेट कितना हो, आई नेट इज 2/3 एम एल स्क्वायर बाय, ठीक है, 2 ml² / 3. सो वी विल सिंपली एड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स अबाउट दैट कॉमन एक्सिस. क्लियर है सबको, वी विल सिंपली एड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अलोंग द common axis. Clear है इतना? Okay. एक अच्छा सवाल दे, ये तो पता था कि यार यहां से इसका भी आ सकता है, इसका भी आ सकता है. अब थोड़ा सा टफ सवाल करते हैं. हो गया, फटाफट डन करो, कई बच्चों ने कर भी लिया है. जनाम का हो गया, एक रॉड है, मास एम, लेंथ एल, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बोला है देखो
आपको इसके अलोंग आई नेट निकालना है, एक रॉड है और रॉड के एजेस जो है वहां पे मास एम के दो पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हुए, निकालो जरा। क्या कि नहीं अरे सबके मास एम है, सबके ही मास एम है बेटा। देखो 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 देखो, आई नेट इज आई ऑफ रॉड, ये वाली एक्सिस के अलोंग निकालना है, प्लस आई ऑफ पार्टिकल वन प्लस आई ऑफ पार्टिकल टू अबाउट द सेम एक्सिस। तो रॉड का तो कितना हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12, ये सेंटर ऑफ मास है। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल बाई 2, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल बाई 2, तो ये जाएगा एम मास है, डिस्क्रीट मास है, डिस्क्रीट मास का डिस्टेंस कितना है एल बाई 2 का एम एल का होल स्क्वायर, तो आया कितना एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एल स्क्वायर
6.4 कर लो भाई। आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई टू, कितना आ रहा सबका आया क्या, मास सेम है, इसको ऐड करके देखो एम एल स्क्वायर बाई टू 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई टू को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 से डिवाइड करो तो 12 हो गया, ऊपर 6 प्लस 1 7 बाय 12 एम एल स्क्वायर आ गया, कितनों का आया ये, ज्यादा टफ है क्या, ठीक है। एक एडवांस के बच्चों के लिए एक सवाल, अरे हो गया सबका, किसी को डाउट है प्लीज माइक ऑन करके पूछो, कौन से स्टेप नहीं समझ में आई, दीज आर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, मृदुल सन्मुख अरे एक बारे में नहीं समझ में आता ये सर, डिस्क्रीट पार्टिकल्स का तो यही किया था ना मैंने, देखो आई नेट मुझे पूछा है इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का, इस सिस्टम में कितने लोग हैं, इस सिस्टम में एक रॉड है प्लस टू पार्टिकल्स है, तो मैंने ये एक्सिस इस एक्सिस के अलोंग निकालना है, अब इस एक्सिस के अलोंग निकालना है तो आई नेट क्या होता है, एक एक्सिस के अलोंग सारे एक्सिस जितने भी पार्टिकल्स हैं उस उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकाल लो, तो आई ऑफ द रॉड प्लस आई ऑफ पार्टिकल वन प्लस आई ऑफ पार्टिकल टू, अरे देखो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होता था एम इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा होता था ना, कोई डिस्क्रीट मास होता था तो उसके लिए क्या करते थे, मास मास इनटू डिस्टेंस का क्या करते थे होल स्क्वायर, तो रॉड का इस एक्सिस के अलोंग निकला एम एल स्क्वायर बाई टू, ये रटा हुआ था अपने को, फिर पार्टिकल वन इस एक्सिस से ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस है, इस एक्सिस से पार्टिकल वन कितनी दूरी पे है एल बाई टू, तो मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल कितनी दूरी पे है एल बाई टू पे है, तो मास इनटू डिस्टेंस एल बाय टू का होल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस एम एल स्क्वायर बाय फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाय फोर, ऐड कर दो आंसर क्या आएगा सौरभ, कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल देखो, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स क्या अपन ने किए थे, ये देखो डिस्क्रीट में इसका तो घर जीरो आ गया था, ये देखो ये एक पार्टिकल है मास 1 kg, ये 3 meter से, ये दूसरा पार्टिकल है 2 kg, ये है 15 पे, तो मैंने क्या किया मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, डिस्क्रीट के लिए ये यूज किए, कंटिन्यूअस के लिए रिजल्ट याद करने हैं, और कंटिन्यूअस में अगर कोई डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट का फॉर्मूला लगा, क्लियर है इतना, ओके अब ये प्रॉब्लम देखो, अब देना तो पड़ेगा ही,
जितने एडवांस के बच्चे हैं कर लें तो बहुत बढ़िया, नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा. सो आई हैव दिस सिस्टम, दो कंटिन्यूअस रॉड्स हैं. देखो इन दोनों रॉड्स को मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m है, लेंथ l है. ऐसे ये वाला जो है ना डायमीटर, ये वाला गैप बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, और ये एक्सिस, दिस इज माय एक्सिस. पॉइंट आई नेट अबाउट द एक्सिस मेंशन अबाउट. सोचो सोचो, ये अच्छा प्रॉब्लम है, मेंस वाले बच्चे भी दिमाग लगाएं, दिमाग खुलेगा. देखो इसका तो निकल जाएगा, ये जो रॉड वन है, रॉड वन का सौरभ कितना होगा, आई नेट निकालना मेरे को, ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3. तो I net is I of rod 1 about the axis I of rod 1 plus I of rod. सौरभ ने बताया इसका होता है ml square by 3, बहुत बढ़िया. अच्छा इसका कितना होगा, ये देखो ये रॉड तो दूर है, पहले वाले केस में क्या किया था, पहले वाले केस में क्या किया था, पहले वाले केस में ये दोनों रॉड सेम एंड से जुड़ी हुई थी, ये ऐसा फॉर्म बनाया हुआ था, बट अब ये अलग फॉर्म बन गया. ट्राई करो, ट्राई करो, थोड़ा दिमाग खुलेगा. कौन सा थ्योरम लगाऊं, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, कौन सा निकाल के आ सकता है. देखो इसका सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास होगी, ये आई टू बोल दो, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो, ये डिस्टेंस निकाल. इसके अलोंग आपको पता ही है दिस इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम पैरेलल एक्सिस. और रॉड टू, रॉड टू का उसका सेंटर ऑफ मास के थ्रू, और ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे से डी दूरी पे हैं. निकालने का ट्राई करो, हो जाए बहुत बढ़िया. सोच लिया,
ये देखो, व्हाट इज दिस डिस्टेंस डी? देखो बेटा, ये रॉड 2 का ये सेंटर ऑफ मास था, तो ये तो ml स्क्वायर बाई 12 होता ही है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई तो मुझे तो ये एक्सिस चाहिए, ये ऊपर वाली। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगा रूट अंडर ये l, ये l बाय 2, l का स्क्वायर प्लस l बाय 2 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल्स टू रूट अंडर l का स्क्वायर प्लस l बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा m d स्क्वायर, दैट इज l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय, ये कितना होगा? दिस इज एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस, ये कितना होगा? 5 बाई 4 एम एल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ भाई सार्थक, पूछो बेटा। सर हाँ, पैरेलल थ्योरम के लिए तो हमें एक्सिस से परपेंडिकुलर चाहिए ना? पैरेलल एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर? बेटा ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही, ये एक्सिस देखो रॉड 2, ये डायग्राम दिख रहा क्या? डायग्राम में कहीं पे पॉइंट कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा डायग्राम? अभी डायग्राम में देखो बेटा, ये जो एक्सिस है ना रॉड 2 वाली, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और यहां पे रॉड 1 के ऊपर ये जो है रॉड 1 के ऊपर ये दोनों जेड एक्सिस है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो अपन सेंटर ऑफ मास का पता है, और इन दोनों के बीच में दूरी निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल में सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई और जो अपने रिक्वायर्ड एक्सिस है उनके बीच में डिस्टेंस डी होता है, और वो दोनों एक्सिस पैरेलल होती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अलग है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अलग है, परपेंडिकुलर एक्सिस अलग है। हाँ भाई प्रियांशु। सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, ये जो दो रॉड है परपेंडिकुलर, उनके जो वो जो कॉमन पॉइंट है वहां से अगर एक एक्सिस पास की है, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में अपन ने उसका ये निकाला था आई डैश निकाला था, तो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसका निकाल लिया, तो फिर मतलब ऐसे कुछ नहीं कर सकते है? नहीं देखो बेटा, इसमें हमेशा एक चीज याद रखना कि जैसे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को अपन करते थे ना, आपको उस एक्सिस से इंडिविजुअल रॉड का निकालना पड़ेगा। इंडिविजुअल, जैसे मान लो इसका आंसर एक बार थोड़ा सा और बेटर सवाल देते हैं आपको। ये देखो, ये आ गया क्या फाइनल आंसर? ये फाइनल आंसर आ गया? फाइनल आंसर इसका 5, फाइनल आंसर आता है 5/3 एम एल स्क्वायर। ये देखो ध्यान से देखना, अभी ये दिखाई दे रहा एल एल फॉर्म, ठीक है। अब ये एल फॉर्म जो है ना, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ये यहां से इसको ऐसे लेके अब ऐसे, ये देखो ये जेड एक्सिस है, अब इसके अलोंग ये ऐसे, ये जेड एक्सिस, ये एल, ये ऊपर जाएगा, ये एल ऐसे, ये मोशन समझ में आ रहा है क्या?
ये एक्सिस है, ये एक्सिस, और इस एक्सिस के ये ऐसे है, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सिस के अलोंग ये एक रॉड वन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, सिस्टम का नहीं निकालना, इंडिविजुअल अलग अलग रॉड्स का निकालना है, इसका मास एम है तो इसका मैंने निकाल लिया, इसके अलोंग मेरे को पता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये रॉड टू है, अब इस रॉड का, रॉड टू का इस एक्सिस से ये एक्सिस कौन सी है, ये ऐसे जा रही है, इन साइड द प्लेन जा रही है ना। अब इस एक्सिस का निकालना है, इस रॉड, रॉड का निकालना है इस एक्सिस के, तो पहले मैंने बताया कि यार इसका सेंटर ऑफ मास के थ्रू क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। इस रॉड का इसके इस एक्सिस से एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, और ये रॉड का, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास और ये एज जहां से एक्सिस से आपको नेट निकालना है, इनका सेंटर ऑफ, ये सॉरी इनका ये डिस्टेंस निकाल लिया, सेंटर ऑफ मास और इस एक्सिस, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही और ये एक्सिस, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि ये भी ऐसा है और ये भी इनसाइड द प्लेन है, ये भी इनसाइड द प्लेन है, ये भी इनसाइड द प्लेन है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। ये भी अंदर की तरफ है, ऐसे देखो ये पॉइंटेड है ना आपकी तरफ जा रहा, ये है ना आपकी तरफ जा रहा, तो ये एक एक्सिस ऐसे है और ये इसका सेंटर ऑफ मास की तरह इधर है, तो दोनों कैसी है, पैरेलल एक्सिस, दोनों क्या है, पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस निकल गया यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बस यही चीज करिए। दिस वॉज ओनली फॉर एडवांस, दिस वॉज ओनली फॉर एडवांस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, ये वाला समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट वाला समझ में आ जाएगा, मेंस वाले सब घबराए नहीं, मेडिकल वाले भी घबराए नहीं ज्यादा, ऐसा रॉड सिस्टम है, और एडवांस वालों को घबराना नहीं है, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 50-60% आना चाहिए। ऐसे ये चार रॉड्स है, ठीक है, ऐसे चार रॉड्स है, ठीक, चार रॉड है और ये एक्सिस है, चार रॉड है, दिस इज दी एक्सिस, दिस इज ए बी सी डी, फाइन, सबका मास एम है, लेंथ एल, फाइन, आई नेट अबाउट ए एक्सिस गिवन, आई नेट निकालना है। अब इन चारों रॉड्स को डिस्क्रीट रॉड्स मान के, डिस्क्रीट रॉड्स मान के आप निकालेंगे इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के थ्रू, तो आई नेट इज आई ऑफ ए डी प्लस आई ऑफ ए बी प्लस आई ऑफ बी सी प्लस आई ऑफ सी डी रॉड, ट्राई करो, एडी का, प्रियांशु एडी का कितना होगा बेटा, प्रियांशु, यस सर, सर एमएल स्क्वायर, एमएल स्क्वायर बाय 12, वेरी गुड, ये रॉड वन कंप्लीट। नेक्स्ट देखो,
एबी, एबी का ये सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास। अब एबी और इसके बीच में डी डिस्टेंस कितना होगा? देखो इसका आएगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। इसका आई सेंटर ऑफ मास कितना है? आई सेंटर ऑफ मास एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व ही होता है सर, प्लस एम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? एल बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर रूट अंडर फिर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस दिस। अच्छा अब बी सी का कितना होगा? बी सी, बी सी का कितना होगा? बी सी का आई सेंटर ऑफ मास एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस ये दूरी कितनी है? ये दूरी पूरी एल है, तो एम एल स्क्वायर। फिर नीचे इसका होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, तो दिस इज एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम कितना? एल स्क्वायर बाय फोर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर। आया क्या सबको? ये चीज समझ में आ रही? अगेन ओनली फॉर एडवांस। ये मैंने ए बी का निकाला, ठीक है, ये वाला पार्ट आई ऑफ बी सी होगा अलोंग दिस आई नेट, बेटा डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है, सब में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है, सब में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रहा है। इस रॉड का इस एक्सिस से निकालना है, इस रॉड का इस एक्सिस से निकालना है, तो पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग निकाल लिया और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा। इस बीसी रॉड का पहले सेंटर ऑफ मास के अलोंग निकाला और बोला कि यार ये रिक्वायर्ड एक्सिस है ट्राइनेट, तो इससे दूरी निकाल लो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। थोड़ी सी टफ चीजें हैं ये। फाइनल आंसर कितना आया? आई नेट सबका आया क्या? जो जो मेजोरिटी कर रहे हैं वही मैं बता रहा हूं, 7/3 एम एल स्क्वायर। मेजॉरिटी का यही आंसर आ रहा है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए इसी के वजह से सभी का सेंटर ऑफ मास से इस मेन अपने को ये निकालना है, इस एक्सिस के अलोंग निकालना है। तो इस एक्सिस के अलोंग बाकी को पता है क्या? नहीं, तो अपन पहले इनके सेंटर ऑफ मास के अलोंग निकालेंगे और फिर इस एक्सिस का, ये जो मेन एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस निकाल के पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के करते हैं। चलो एक लास्ट ये देखो, ये स्पीयर है, क्या है? स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर, और इसका रेडियस आर। एक एक्सिस है, ये इसके एज से डिस्टेंस रखता है 2r, और आपको इस एक्सिस से, ये एक्सिस से
इसका सेंटर ऑफ मास सॉरी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक्सिस ऐसा है, ये इसके पैरेलल पे, ये जो है सॉलिड स्फीयर ये इससे पैरेलल पे ऐसा आपको निकालना है। फाइंड आई नेट, आई नेट अबाउट द एक्सिस गिवन फॉर द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए निकाल। कितना आता है? ये आउटसाइड द स्पीयर है और स्पीयर से दूर है, कितना डिस्टेंस दूर है? स्पीयर के पेरिफेरी से 2R डिस्टेंस दूर है। टिंग 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 टिंग, निकालो जरा कितना आंसर आया। रत्ती सवाल है। अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में वो एक्सिस जरूरी नहीं है उसी बॉडी में हो, बॉडी से बाहर भी हो सकती। मेजॉरिटी में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाता है। वेरी गुड, 3, 4, 5 बच्चों में आ गए। इसका मास है मैं। नमन क्या लगाया बताओ बेटा। सर उसका जो डिस्टेंस बी है वो 3R है। कितना है? 3R। वेरी गुड। ये देखो सभी यही गलती कर रहे हैं कई बच्चे, ये उसका डायमीटर से पास होने वाला, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, ये आई सेंटर ऑफ मास है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा तो आई नेट इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है? 2/5 mr2। 2/5 mr2 एम दूरी कितनी हुई सेंटर ऑफ मास से? कई बच्चे 2R कर दिए, नहीं 3R हो जाएगी, 3R का होल स्क्वायर। अब आंसर आएगा 2/5 mr2 प्लस 9 mr2, ये आंसर 47/5 mr2, ये है सही आंसर। गौरव क्या कर दिए तुम? सर्वरी सर वो 3R का स्क्वायर नहीं किया था। वही तो, यहीं पे कृपा अटक गई। फिर मृदुल मल्हार और भाई, 9 9 कहां से आ रहा तुम्हारा डिनोमिनेटर में? समझ में तो आई क्या गलती? विदुषी कशिश राधा क्लियर है? थोड़ा सा टफ है ये, पर ठीक है करना तो पड़ेगा ही। अच्छा ये सेटअप का बताओ,
ये देखो रॉड है, चार रॉड्स हैं, वही मास है लेंथ एल, और ये एक सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, सबका मास है लेंथ एल, मास है लेंथ एल, मास है लेंथ एल, फाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी सेंटर एक्सिस, ठीक है, फॉर द कंबाइंड सिस्टम। देखो ये कोई भी रॉड पे नहीं है, सभी रॉड से किसी डिस्टेंस टी पे है, बताओ ये सबसे आसान सवाल है, बता सकते हो, कौन कौन गायब हो गया क्लास में, कौन कौन नहीं है, यश कल भी डांट खाने के बाद में मानते नहीं, विदांग है, वेद है, विनीत है, श्रेया, श्रावणी, शर्वरी, सन्मुख, सौरभ, सार्थक, समृद्धि, साची गायब हो गई, ऋषि, रिद्धि, ऋषि, राधा, पूरव, एक कुंज कुंज है क्या, कौन कौन नहीं है, आज तो फाइनल अल्टीमेटम देना पड़ेगा, आयुष, अमय, अमय सिंह है, आदित्य है, आर्या, कौन नहीं है जरा नाम देख के बताओ, आज तो बहुत हो गया, इतना खतरनाक चैप्टर चल रहा है, वो वाले चैप्टर में भी नहीं है लोग, तो फिर एकदम सारी पटक लेंगे लोग, नैतिक, साची, और कौन कौन नहीं है, नाम बताओ, जय, जय कोई दिक्कत नहीं है, जय तो वैसे अपन बता दी उसको, कभी आता जाता रहता है, और कौन नहीं, नाम बताओ, सॉल्व भी करो, नाम बताओ, कृष्णा नहीं है, आ गया सबका, ओके, सो नाम ले लो, ए बी सी, तो आई नेट इज इक्वल्स टू आई ए बी, आई बी सी प्लस आई सी डी प्लस आई डी, तो आई ए बी कितना है, ए बी ये डिस्टेंस है एल बाई टू, ये इसका सेंटर ऑफ मास, तो आई सेंटर ऑफ मास है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस एम डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है एल बाई टू का होल स्क्वायर, ये एक का हो गया, क्या बाकी सारे के सारे सेम ही हैं, बाकी जो भी हैं वो भी तो सब सेम ही हैं, तो इनटू फोर कर दूं क्या, तो आंसर कितना बनेगा, एम एल स्क्वायर ये फोर करोगे तो ये एम एल स्क्वायर बाई थ्री आएगा, ये फोर कर लो तो ये आता है फोर बाई थ्री एम एल स्क्वायर, 4 by 3 ml square. 4 by 3 ml square. Hello sir. Hello. हाँ कौन भाई? Hello sir, मैं नैतिक बोल रहा सर. सर मैं क्लास में हूँ सर, मेरा नेटवर्क गया था तो मैं पांच मिनट के लिए बाहर आ गया था सर. तो कुछ भी रहा है तुरंत कॉल किया करो कि मैं दिक्कत है, अब फंस जाते तुम. नो सर, वो मेरे सर नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैं बाहर आ गया था सर. ठीक है ठीक है. कौन सा प्रॉब्लम किया था? ये पीछे वाला प्रॉब्लम किया है क्या? सर सेकेंड वाला प्रॉब्लम कंप्लीट है. हाँ, नहीं सर थर्ड वाला भी है, थर्ड वाला बाकी है सर, सेकंड तक कंप्लीट हुआ है. थर्ड सेकंड तक कंप्लीट है, ठीक है, मेरे नोट्स भेज देना तुम्हारे.
पूरे नोट्स भेज देना। यस सर। कॉल बैक कर लिया था तुमने, बच गए। कृष्णा नहीं आया ना? देवशीष है क्या? देवशीष, देवांश, दीपक। दीपक माइक ऑन करो बेटा। यस सर। दिख रहे पूरे नोट दीपक? यस सर। दिख रहे हो ना नोट? वापस सेंड कर देना तुम भी क्लास के बाद में। हाँ सर। नोट सेंड करना और माइक ऑन करो। हाँ सर। बेटा लिख रहे ना सर? हाँ सर लिखा। ठीक है, एक बार तुम मिल लो यार, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी याद आ रही। ठीक है, मैं टाइम देता तुम्हें, पापा के साथ मिलने आ जाओ। हाँ सर। ठीक है, कॉल बैक कर लेना लेक्चर के बाद, थोड़ा टाइम दे देता। तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, और किससे नहीं मिला हूं? और भी हमारे से मिल ही लिया था, कार्तिक से मिल लिया बीच में, बोरा से बहुत समय हो गया। ठीक है, मिलते हैं, कॉल वॉल आ ही जाएगा। ठीक है पक्का, पार्थ गोलू से मिलना है भाई। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। थोड़ा सा टफ पार्ट था, बट इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे वेरिएशन आपको मिलेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो। अच्छा एक चीज और थी, ध्यान से इस बात को समझना, ध्यान से एक पॉइंट समझना कि अगर मुझे ये कहे कोई कि ये डिस्क है, इसका इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, मास m है, रेडियस r है, तो आप बोलोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr square by 2। सिमिलरली अगर मेरे को कोई हाफ डिस्क दे, क्या दे? हाफ डिस्क दे जिसका मास m है, रेडियस r है। अगर मेरे को कोई हाफ डिस्क दे जिसका मास m है, रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस कौन सी? ये वाली। इसकी एक्सिस कौन सी? ये वाली। देखो देखो देखो, एक्सिस इसकी कौन सी है? ये, दिस इज द एक्सिस। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर इसका भी कितना होगा? इसका भी एम आर स्क्वायर बाई टू। सर ये कैसे? देखो जरा, अगर इसका डिस्क का मास m by 2 होता और ये r होता, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता m by 2 r square by 2। ठीक है। अच्छा अगर कोई और पार्ट होता, लेट से ऐसा ये पिज्जा का स्लाइस, ठीक है, रेडियस r, मास m, ठीक, ये भी डिस्क का हिस्सा है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, बात समझ में आई क्या सबको? यहां तक क्लियर है? ये आपको याद रखना है, अगर कहीं पे दे दिया कि यार ये डिस्क है, हाफ डिस्क है, ठीक है, तो जो मास है ना उसी के अकॉर्डिंग करना है एम आर स्क्वायर बाई टू। इसका मास अगर मान लो किसी का ऐसा है, ये डिस्क है, ठीक है, और इसका मास 2m है, इसका रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मास 2m r स्क्वायर बाई टू, दिस इज एम आर स्क्वायर, ये डेस्क है, डेस्क। ठीक है, ठीक है, तो डेस्क और अ पार्ट ऑफ डेस्क हैज द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेस्क और अ पार्ट ऑफ डेस्क हैज द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
सो नेक्स्ट क्लास कैविटी के प्रॉब्लम्स करने हैं एंड कैविटी के प्रॉब्लम्स के बाद में वी विल बी मूविंग फॉर दी लास्ट पार्ट सॉरी नॉट लास्ट पार्ट सॉरी नेक्स्ट पार्ट दैट इज टॉर्क. टॉर्क अपन नेक्स्ट क्लास में अपन करना स्टार्ट कर देंगे. टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे दो हफ्ते लगेंगे मतलब पहला हफ्ता चल रहा है. नेक्स्ट वीक तक अपन ट्राई करेंगे चैप्टर हो जाए. बट थोड़ा सा ना पेशेंस रखो. आप अभी जो भी करा है ना इसको वापस रिसॉल्व करना और मुझे सेंड करना और होमवर्क भी सेंड हो जाएगा इस पे. ये चैप्टर थोड़ा टफ है ठीक है. तो थोड़ा सा समझ क्योंकि 3D इमेजिन कराना पड़ता थोड़ा दिक्कत रहता है ना. तो इस वजह से आज मैंने बोर्ड भी तैयार रखा था कि यार बोर्ड पे जरूरत रहा तो आपको बोर्ड पे पढ़ा दूंगा क्योंकि उसके अंदर आपको चीजें दिखानी रहती है ना कि ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है. तो अगर जरूरत रहा तो अपन कल का लेक्चर बोर्ड पे भी ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आए. क्योंकि देखो फिजिक्स बिना इमेजिनेशन के नहीं समझ में आता. कल कैविटी एंड टॉर्क वी वुड बी स्टार्टिंग. और आपको टास्क है जो भी आज पढ़ाया गया उसको ऑफिस से पढ़ो एंड कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे होमवर्क के लिए वो करना है आपको ठीक है बेटा. अभी एसएस सर का लेक्चर है 11 बजे एसएस सर का लेक्चर है और शाम में भी एसएस सर का लेक्चर रहेगा ठीक है. ओके आप मीटिंग लीव कर सकते हो. हाँ मैं रुक जा रहा हूँ. आप मीटिंग लीव कर सकते हो. हाँ शाम में 6 बजे. सर जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है सर. हाँ सर उसमें अगर जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही सर उसमें भी लगेगा ना सर. जो देखो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए दो जरूरी है. एक ये एक्सिस एक ये एक्सिस ठीक है. अब ये कोई भी अननोन एक्सिस है कहीं से भी है ये एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होना चाहिए. एक एक्सिस मिनिमम सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक पास होनी चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए एक दूसरे से पैरेलल. ये एक्सिस अननोन एक्सिस एंड दिस एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस दोनों एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए. इनके बीच में कहीं कोई भी डिस्टेंस हो सकता है. ये वाला एक्सिस जो है ना अननोन एक्सिस ये बॉडी के अंदर भी पास हो सकता है या बॉडी से बाहर भी पास हो सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं. बट दोनों पैरेलल होने चाहिए एक सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होना ही चाहिए. सर जो आपने अभी प्रॉब्लम्स दिए थे सर. हाँ हाँ सर उसमें मैंने सेंटर ऑफ मास की जगह पे कोई और एक्सेस पकड़ी थी और तो भी सर आंसर्स वही आ रहे थे सर. देखो लग भाई चांस है बट ऐसा जरूरी नहीं है. अब जैसे ये है ये देखो दूसरा देखो ये डिस्क है ठीक है. मेरे को पता है कि इसके अलोंग तो क्या होता. अगर आप इसके अलोंग ढूंढना चाहते हो ना दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज वन. तो ऐसा नहीं है कि आप ये जो टू है मान लो आप इसमें ये नहीं लगा सकते कि आई ऑफ वन इज आई ऑफ टू प्लस एम ऑफ लेट से दिस इज डी वन. ये डी वन स्क्वायर करके ये नहीं लगा सकते फॉर्मूला. ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. हाँ ये फॉर्मूला वैलिड है आई वन इज आई सेंटर ऑफ मास प्लस ये आर अगर होगा तो दिस इज आर. देखो वो लग भाई चांस हो गया होगा डेटा वैसा हो गया होगा तो पॉसिबल है. बट ये जो एक एक्सिस है ना पैरेलल एक्सिस में वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होना चाहिए. अगर कोई अगर आंसर मैच कर रहा है तो मे बी डेटा वेटा कुछ मैचिंग वाले होंगे इस वजह से. बट दिस हैज टू बी सेंटर ऑफ मास क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास प्रूफ भी है इसका ठीक है. एचसी वर्मा देखना एक बार. एचसी वर्मा देखना ये तुम लोग में लाइन शिफ्टिंग देखिए क्या ओरिजिन शिफ्टिंग ये सब लाइन में. हाँ सर लाइन की इक्वेशन है y is equals to mx plus c ओरिजिन है 0,0 अगर शिफ्ट हाँ, करोगे तो लाइन की इक्वेशन अलग हो जाएगी. तो सिमिलरली उसी चीज को यूज करके ये चीज आती जैसे. हाँ सर यही तो किया है मैंने. पहले ओरिजिन यहाँ था अभी ओरिजिन यहाँ कर रहा हूँ
कुछ एक्स डैश कॉमा वाई डैश। अच्छा इस दोनों में बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगी डी, दैट इज रूट अंडर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो ये एक ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अभी इसको करके देखना, कुछ प्रॉब्लम मिल जाए एक आज जब एचसीवी करोगे तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अननोन रैंडम एक्सिस नहीं ले सकते, दो कोई भी पैरेलल एक्सिस नहीं चलती, एक सेंटर ऑफ मास के थ्रू होनी ही चाहिए अगर ये थ्योरम लगा रहे हो। ठीक है, सर वो जो आज आपने एथ सम करवाया दो डिस्क्रीट पार्टिकल्स का, तो सर उसमें अगर पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स का भी आपने कंसिडर किया कि उसका केस मतलब उसका भी निकाला ना हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर ऐड किया सिस्टम का निकालने के लिए, तो सर उसमें पार्टिकल का नहीं भी ऐड किया तो भी तो आंसर सेम ही आ रहा था ना, मतलब वो पार्टिकल का क्यों किया पार्टिकल का, अरे सिस्टम का बताना है, सिस्टम में एक रॉड है और दो पार्टिकल है तो पार्टिकल को ऐसे छोड़ सकता मैं सर, अगर सिर्फ रॉड का भी निकाला हमने जो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास आ रहा उसके उसको लेके जो सेंटर ऑफ मास का जो उनका डिस्टेंस आ रहा उसको लेके तो भी आंसर सेम ही आ रहा था। नहीं पॉसिबल नहीं, देखो ये सही मेथड है, रॉड का निकाला ml स्क्वायर बाय 12 इंडिविजुअल पार्टिकल की डिस्टेंस निकाली एक्सिस से तभी सही है, ये राइट मेथड है। ठीक है, और तुम्हारे कोई डेटा वेटा मैच कर गया होगा तो भले ही, पार्टिकल को लीव कैसे करोगे बेटा, पार्टिकल के फिर पार्टिकल्स को अगर लीव ही कर दोगे तो मास कम नहीं हो जाएगा। ये अगर कुछ हुआ है तो गड़बड़ से हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके हो गया, ठीक है, फिर मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ ना।